इसको मेरे पास ही रखूंगी। लोग हमसे जलते हैं, जलते हैं इस बार। आखिर क्यों प्रियंका चाहर चौधरी होने वाली है बिग बॉस के घर से बेघर? आखिर क्यों लोग उठा रहे हैं प्रियंका पर सवाल? क्यों लोगों को प्रियंका और अंकित का एक साथ होना पसंद नहीं आ रहा? जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ एंड तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अर्चना की बात और गधे की लाइन, दोनों पर विश्वास नहीं करते। यहाँ पर खत्म और शुरू, जहाँ से आपकी लाइन है उस लाइन। अंकित और प्रियंका एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं और इनके बीच दोस्ती काफी गहरी है। इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि चाहे झगड़ा कैसा भी हो, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये दोनों एक दूसरे के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं। अंकित थोड़े शांत स्वभाव के हैं, इसीलिए वो फालतू बातों पर नहीं झगड़ते। लेकिन बिग बॉस में इन्हें सब प्रियंका के चमचे बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि बिग बॉस में अगर प्रियंका और अंकित एक साथ नहीं होते तो अंकित काफी अच्छा खेल रहे होते। इसी बात को लेकर लोगों ने प्रियंका को ही दोषी ठहरा दिया है। इसीलिए आज प्रियंका के सामने ऐसी सिचुएशन आ गई है कि प्रियंका को अंकित के लिए बिग बॉस के घर से बाहर जाना पड़ेगा, और इसी बात को लेकर प्रियंका दुखी भी हैं और खुश भी हैं। प्रियंका यही चाहती हैं कि उनके जाने के बाद अंकित अच्छा खेले और जीत कर भी आए। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो प्रियंका के साथ हुआ वह गलत हुआ या फिर सही, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।